दोस्तों, तो इससे पहले एक जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बाइसेक्शन मेथड का एक प्रोग्राम, एक जो मैथ्स का प्रोग्राम है उसको हमने सॉल्व करवाया था। तो ये इस वाला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में आएगा। करीब करीब 8 मार्क्स से 10 मार्क्स तक आता है, 8 मार्क्स से 10 से 12 मार्क्स तक भी आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, तो इस पैटर्न का क्वेश्चंस आता है। तो इसी को आप सीख लोगे तो जो भी आएगा क्वेश्चंस या रेगुलर फॉल्सी मेथड में आप सॉल्व कर पाओगे। तो ये इक्वेशन का थोड़ा बहुत हेर फेर होगा, बाकी जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ये एक सिमिलर टाइप का होता है, तभी इसको सॉल्व करते हैं। चलो शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखो ये। तो अभी देखो जो क्वेश्चन है, फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दिया गया है 3 क्यूब माइनस 2 इक्वल्स टू 0 यूजिंग द रेगुलर फॉल्सी मेथड, परफॉर्म ओनली 3 इटरेशन। तो यहाँ पे दिया गया है, सॉरी, परफॉर्म ओनली 2 इटरेशन। तो 2 इटरेशन करना है आपको, 2 इटरेशन। तो चलो शुरू करते हैं। जो जैसे कि हमने पहली वाला वीडियो में देखा था बाइसेक्शन मेथड में, जो अभी देखो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ये वाला जो एक क्यूब है, मतलब इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस टू, वो यहाँ पे लिखो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू। ये वाला फंक्शन को, ये वाला इक्वेशन को फंक्शन में डालो पहले। तो इसका दूसरा वाला स्टेप क्या है, एफ ज़ीरो ले लो, एक्स को बदल के 0 ले लो, और यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे एक्स था उसको भी 0 पे बदल दो। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, -2, दैट इज -2। पुटिंग 0 इन द फंक्शन एक्स, 0 को पुट करके फंक्शन एक्स में रिजल्ट आ गया -2। ठीक है, अभी सेम तरह से अभी यहाँ पे एक्स को बदल के 1 ले लो, 1, 0 के बाद 1 ले लो। तो अभी जो इक्वेशन है वहाँ पे देखो 1 डालो, एक्स को हटा के 1 डालो, 1 क्यूब -2, उसका रिजल्ट जो आएगा -1। ठीक है, तो पुटिंग 1 इन द फंक्शन एक्स। तो अभी 2 डालो सेम तरह के, ऐसी सेम करो, 2 डालो। 2 डालने के बाद अभी देखो 2 क्यूब -2 कैसे 8 - 2 6 आ गया, पुटिंग 2 इन द फंक्शन एक्स। तो अभी यहाँ पे अभी गौर से देखो, ये पहले वाला नेगेटिव आया, दूसरा वाला नेगेटिव रिजल्ट आया, तीसरा वाला पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो अभी चुप हो जाएंगे, अभी नहीं आगे जाना। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए एक पॉजिटिव रिजल्ट और एक नेगेटिव रिजल्ट। ठीक है, वो भी कंसेक्यूटिव, ऐसे नहीं कि पहले वाला बहुत आगे नेगेटिव ये वाला लूंगा, फिर बहुत देर बाद पॉजिटिव आएगा ये लूंगा, ये दोनों नहीं लेंगे हम, ये दोनों लेंगे। मतलब कंसेक्यूटिव जो होता है ना, बाद बाद कंसेक्यूटिव, इसके बाद वो आया, तो 2 कंसेक्यूटिव हमें रिजल्ट चाहिए जहाँ पे होगा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अभी देखो आ गया, F1 के लिए नेगेटिव आया, F2 के लिए पॉजिटिव आया, तो ये दोनों हम लेंगे, मतलब 1 और 2 लेंगे। अभी देखो फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 डिराइव द अपोजिट साइन नंबर्स। फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 ये डिराइव किया है अपोजिट साइन का नंबर, तो ये दोनों हम लेंगे। तो फर्स्ट इंटरवल जो हम बनाएंगे 1 और 2 में बनाएंगे, 1 और 2, ये 1 और 2, क्योंकि ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट डिराइव किया, इसलिए 1 और 2 लेंगे पहले इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल। तो अभी देखो हमें एक चाहिए जो है एक ज़ीरो, एक ज़ीरो पे लिया 1। एक ज़ीरो क्या है, एक ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं, ये है एक ज़ीरो, ये 1 जो आया है ये यहाँ पे लेंगे, एक ज़ीरो इक्वल्स टू 1। अभी एक एक्स वन चाहिए, एक्स वन किसको लेंगे, ये 2, ये 2 हो गया x1। ठीक है, अभी देखो फंक्शन एक ज़ीरो, फंक्शन एक ज़ीरो, और फंक्शन एक ज़ीरो में क्या लिया, -1। कहाँ से आया -1, ये देखो फंक्शन, ये जो फंक्शन एक्स है ना, फंक्शन एक्स, ठीक है, इसी का फंक्शन एक ज़ीरो मतलब यही वाला वैल्यू, फंक्शन एक ज़ीरो मतलब ये देखो एक ज़ीरो, 1 1 1 कहाँ से आया, 1 1 क्या डिराइव किया, 1 डिराइव किया -1। ये देखो ये 1, ये देखो एक ज़ीरो क्या था, 1, एक ज़ीरो 1 था ना, ये वाला 1, एक ज़ीरो मतलब ये 1, ये 1 ही एक ज़ीरो में आया था। तो ये वाला जो 1, ये क्या डिराइव किया, -1 डिराइव किया था। तो अभी देखो फंक्शन एफ एक्स ज़ीरो पे आ गया -1। ठीक है दोस्तों, अभी देखो एफ एक्स वन पे आया 6, 6, ये 6 कहाँ से आया, अभी देखो एक्स वन पे 2 आया था, हमने एक्स वन पे 2 लिया था, मतलब ये वाला टू कहाँ से आया था, ये वाला 2 फंक्शन 2। ठीक है, तो अभी ये वाला 2 क्या डिराइव किया रिजल्ट में, 6,
रिजल्ट में क्या डिराइव किया था, 6, तो ये 6 यहाँ पे आया था। अभी देखो x1 2 मतलब ये 2 x1 आया है, और इसका जो रिजल्ट 6 वो आएगा यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स वन पे 6 आया। तभी समझ में आ गया ये क्या कहाँ से आया। तो उसके बाद आप देखो इसके फार्मूला, रेगुलर फॉल्सी मेथड का एक फार्मूला है, वो है एक्स वन, ठीक है, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स ज़ीरो। तो हमें एक्स वन को निकालना है, एक्स वन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी एक्स वन मतलब एक्स वन मतलब कुछ भी नहीं, पहले वाला इटरेशन, पहले इटरेशन निकालने के लिए यहाँ पे लिखा एक्स वन। ये एक्स वन नहीं, ये नीचे वाला वन है, ये ऊपर वाला वन है, देखो एक्स वन ऊपर है, ठीक है, गड़बड़ मत करो, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है एक्स वन, इसको निकालेंगे। अब इसके फॉर्मूला क्या है, एक्स ज़ीरो माइनस एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो उसके नीचे डिवाइड बाई एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स ज़ीरो इंटू एफ एक्स ज़ीरो, ये है फार्मूला। इसको ज़रा ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे फार्मूला में जो जो वैल्यू बैठाएंगे पूरा वैल्यू यहाँ पे है। देखो अभी देखो एक्स ज़ीरो का वैल्यू क्या है, वन, एक्स वन का वैल्यू टू, एक्स ज़ीरो का वैल्यू वन, अभी एफ एक्स वन का वैल्यू, अभी देखो एफ एक्स वन का वैल्यू 6 और एफ एक्स ज़ीरो का वैल्यू माइनस वन। तो अभी वैल्यू जो हमने पहले निकाला था वहाँ पे यहाँ पे बैठा दो, इस वाला फार्मूला पे वैल्यू बैठा दो, और उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसका रिजल्ट आएगा ये, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये करना होगा, हाथ से नहीं होगा, एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको ये वाला कैलकुलेशन करना है, ठीक है, और ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी ये वाला रिजल्ट किसका आया, इस फार्मूला में ये सब बैठा के ये वाला रिजल्ट आ गया। तो अभी इस रिजल्ट को क्या करना है, अभी यहाँ पे देखो आप फंक्शन एफ एक्स फिर से लिखा, ये वाला, ये फंक्शन एफ एक्स के बाद ये वाला इक्वेशन फिर से यहाँ पे लिखा। अभी ये जो रिजल्ट आया ये हमें चेक करना, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में किया था ना, वो जो रिजल्ट आया था उसको हर एक इक्वेशन में डालकर हर बार चेक किए थे, वही करेंगे, चेकिंग द नंबर इन द इक्वेशन, चेकिंग द नंबर इन द इक्वेशन। अभी देखो एक्स को बदल लो और ये वाला जो वैल्यू आया है ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एफ फिर ये वाला वैल्यू इक्वल्स टू, अभी ये इक्वेशन देखो एक्स क्यूब मतलब एक्स को निकालो, ये वाला वैल्यू को डालो, उसका क्यूब करो, माइनस टू माइनस टू। तो अभी इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट आ गया इसको, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट क्या आया, ये वाला रिजल्ट नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, ये जो पहले वाला इंटरवल हमने लिया था, अभी देखो फर्स्ट इंटरवल वन और टू, ये वन और टू कहाँ से लिया था, ये वन और टू लिया था ना, वन और टू क्यों लिया था, क्योंकि वन जो डिराइव किया था माइनस वन और टू ने डिराइव किया था 6। तो अभी देखो ये वाला जो ये यहाँ पे जो हमने इक्वेशन को चेक किया, वैल्यू को इक्वेशन में डाल के चेक किया, ये नेगेटिव वैल्यू आया है, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू मतलब ये वन के लिए नेगेटिव वैल्यू आया था, ये पहले वाला फर्स्ट इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल के लिए ये वन हटा देंगे, वन को हटा के टू रखेंगे, टू रख देंगे, वन को हटा देंगे, वन को हटा के यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन का जो रिजल्ट आया था उसको लिया, ये वाला लिया। क्यों ये वाला लिया, क्योंकि इसका जो रिजल्ट डिराइव किया वो नेगेटिव रिजल्ट डिराइव किया, नेगेटिव रिजल्ट को डिराइव किया, इसलिए इसको लेंगे, ये वाला फंक्शन की ये जो रिजल्ट आया था फॉर्मूला में डालने के बाद जो रिजल्ट आया था ये हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे टू लेंगे, ठीक है, वन और टू में ये और टू, ठीक है, ये हो गया, बन गया हमारा सेकेंड इंटरवल, ठीक है दोस्तों। अभी देखो सेकेंड इंटरवल तो बन गया, अभी हम यहाँ पे फिर एक्स ज़ीरो लेंगे, एक्स ज़ीरो किसको लेंगे, एक्स ज़ीरो इसको लेंगे, एक्स ज़ीरो इसको लेंगे, एक्स वन किसको लेंगे, एक्स वन दो टू को लेंगे, अभी फंक्शन एक्स ज़ीरो किसको लेंगे, फंक्शन एक्स ज़ीरो उसी को लेंगे, जैसे कि ये वाला वैल्यू को डिराइव किया था क्या, ये इसको इसको देखो इसको चेक करके इसको इक्वेशन में डाल के चेक करने के बाद ये वाला रिजल्ट आया था, राइट। तो इसलिए देखो ये वाला रिजल्ट फंक्शन एक्स ज़ीरो में आ गया, ठीक है। और फंक्शन एफ एक्स वन 6 होगा, कैसे 6 होगा, क्योंकि दो 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 को डिराइव किया था 6, अभी देखो यहाँ पे दो को तो हमने रिप्लेस नहीं किया ना, अभी देखो ये दो दो से 6 आया था, दो से 6, तो उसी लिए यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, 6 एफ एक्स वन 6 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वन दो था, देखो एक्स वन दो दो लिया था, दो डिराइव किया 6, तो यहाँ पे देखो आ गया एफ एक्स वन से 6, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो अभी फिर से ये वाला जो हमने
वैल्यू निकाला, उसको फॉर्मूला में डालेंगे। फॉर्मूला है देखो, अभी एक्स टू निकालेंगे, एक्स ज़ीरो माइनस ऊपर एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो नीचे फंक्शन फंक्शन एक्स वन माइनस फंक्शन एक्स ज़ीरो इंटू फंक्शन एक्स ज़ीरो। तो इसमें ये वाला वैल्यूज जो हमने निकाला पूरा वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे। अभी देखो पुटिंग ने वैल्यूज इंटू फार्मूला, तो ये पे देखो एक ज़ीरो का वैल्यूज डाला, एक्स वन टू है, एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो एफ एक्स वन का छः था, और एफ एक्स ज़ीरो का ये वाला वैल्यू इंटू एफ एक्स ज़ीरो का वैल्यू। तो इसको फार्मूला को अभी यहाँ वैल्यूज में कन्वर्ट करके इसका जो रिजल्ट आएगा ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, देखो 1.2096777419, तो ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी जो रिजल्ट आया है ये क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट है दोस्तों, पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट को अभी फंक्शन में डालेंगे, चेक करेंगे, चेकिंग द वैल्यूज, चेकिंग द नंबर इन द इक्वेशन। अभी देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू। ठीक है, अभी ये वाला वैल्यू को चेक करो, यहाँ पे एक्स को बदल के यहाँ पे डाला, डालने के बाद ये वाला एक्स क्यूब मतलब इसका क्यूब बनाएंगे माइनस टू। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट आ गया ये वाला, तो ये भी क्या आया, नेगेटिव आया। तो ये भी नेगेटिव आया मतलब थर्ड इंटरवल इंटरवल जो होगा क्या बनाएंगे, इसको उठा देंगे। ठीक है, थर्ड इंटरवल हम इसको रखेंगे, इसको अभी देखो सेकेंड इंटरवल, देखो सेकेंड इंटरवल जो था 1.142857 ये वाला नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू डिराइव किया था तभी ये आया था। तो ये अभी 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 तो ये यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू डिराइव हुआ ना, ये देखो, तो थर्ड इंटरवल में वो पहले वाला का जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हटा के ये वाला रखेंगे। अभी ये और भी क्लोज हो गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी देखो एक ज़ीरो यहाँ पे सेम कंटिन्यू करेंगे, एक ज़ीरो इक्वल्स टू, ठीक है, एक ज़ीरो में ये इसको डालेंगे। ठीक है, और एफ एक्स और एक्स वन में टू रहेगा, एफ एक्स ज़ीरो में क्या आएगा, अभी देखो ये आएगा ये, क्योंकि ये डिराइव इसने इसको डिराइव किया था, तो अभी देखो एफ एक्स ज़ीरो में ये वैल्यू आएगा ये। ठीक है, और एफ एक्स वन में छः आएगा, दो और छः। ठीक है, तो अभी ये एक्स थ्री का भी जो फार्मूला है, पुटिंग द वैल्यूज इनटू फार्मूला, फार्मूला में ये जो आ गया इसको डालो, डालने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा ये आंसर जो हमारा आ गया, तो इसी को अभी द रूट ऑफ द इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस 200, राइट। तो अभी देखो हमने तीन इटरेशन किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था ओनली टू इटरेशन, तो इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको टू इटरेशन करने के लिए बोला गया तो यहाँ पे आके आंसर को छोड़ दो, कहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे थर्ड इंटरवल में आंसर छोड़ दो, थर्ड इंटरवल में आंसर छोड़ दो, उसके बाद नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है टू इटरेशन, टू इटरेशन के लिए वो आपको 8 मार्क्स देगा। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं होगा, मतलब पर जैसे कि कुछ भी लिखा नहीं होगा इतना तक होगा, तो आपको तीन इटरेशन करना है, थ्री इटरेशन, तो थ्री इटरेशन के बाद जो आंसर आ जाएगा फिर वो वाला आंसर को आपकी इक्वेशन में डाल के नहीं चेक करना, यही फाइनल आंसर है। लेकिन अभी जैसे कि एग्जाम में बोला गया है टू इटरेशन, तो यहाँ पे रोक देना है आपको यहाँ पे, तो इसके लिए 8 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपको एग्ज़ाम में अगर कोई नहीं बोला गया कि कितना इटरेशन करना है, तो तीन इटरेशन करो, क्योंकि तीन इटरेशन ही होता है रेगुलर फॉल्सी मेथड में, जो आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट निकालना होता है उसमें 3 इटरेशन ही होता है, और उसके लिए मार्क्स ज़्यादा आएगा, जैसे कि 12 से 15 मार्क्स आएगा। ठीक है, अगर इतना इटरेशन 1 और 2 बोला गया है तो उतना ही करो, उसके ज़्यादा मत करो। ठीक है, तो लगता है ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है, आसान है। ठीक है, तो अभी ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ये सब्सक्राइब ये दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वाला वीडियो बनाएंगे उसमें और एक न्यूमेरिक टेक्निक का और एक मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम में ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप सीख लो तो आसानी से आप लोग कर पाओगे। तो ठीक है, देखने के लिए शुक्रिया, आपको इतना देर तक अपने वीडियो को देखा, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।